हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे. ओके, तो फर्स्ट जो है वो क्या है आपका क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो दिया है उसका जो सही होगा वो आपको फिल करना है. तो ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय सिमिलर. ठीक है, तो जैसा कि हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे, ठीक है, कि सर्किल का जो दो सर्किल होता है कोई भी, तो क्या होता है कि अगर रेडियस इक्वल है, ठीक है, आर वन इज इक्वल टू आर टू है, देन वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सर्किल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है देन क्या हो जाएगा आपका, ये सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इसका सेम जो है शेप जो है वो सेम होगा और एंगल तो है नहीं. दो चीज है ना, पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कि टू साइड्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो बट इसमें साइड नहीं है, तो वनली हम लोग क्या देखेंगे कि ये बस देख लेंगे सर्किल है, तो इसमें जो भी जितना भी सर्किल होता है वो सारा सर्किल क्या होता है, तो सिमिलर होता है. ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया. दूसरा क्या है कि ऑल स्क्वायर्स आर, तो ऑल स्क्वायर्स आर क्या होगा, जितना भी स्क्वायर होगा वो सारा स्क्वायर क्या होगा, तो सिमिलर होगा, क्योंकि इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दो चीज है आपका, क्या चीज, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ये आपका हो गया, समझ आ रहा है. और दूसरा क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये चीज होना चाहिए किसी भी पॉलीगन के लिए. ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, अगर ये टू ले लेते हैं ये थ्री, तो सबका वैल्यू क्या आएगा, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री और टू बाई थ्री. ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे टू बाई थ्री, और ये भी टू, ये टू, ये टू, ये थ्री, 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 तो क्या हो जाएगा आपका, टू बाई थ्री. ठीक है, नहीं देख, नहीं समझ में आ रहा तो इसका जरूर कॉन्सेप्ट हम ट्रायंगल पार्ट वन जो बना है उसको आप लोग देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलर. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब साइड भी उसका इक्वल होगा तब. थर्ड जो है क्या कह रहा है, ऑल डेस्क एंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. ठीक है, कि जैसा स्क्वायर है ना, कि इसमें सारा एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, तो उसी तरह यहाँ पे क्या आता है, सारा एंगल कितना होता है, 60 डिग्री. तो ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड जैसे 2 2 2 और ये 3 3 3. ठीक है, तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 बाई 3, 2 बाई 3 और 2 बाई 3, तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड का रेशियो जो है वो इक्वल हो गया. तो ये क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनल हो गया. समझ में आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ऑल कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलेटरल. ठीक है, अगर आइसोसेल्स का होता तो राइट आइसोसेल्स जो होता है वो सारा क्या होता है आपका, सिमिलर होता है, क्योंकि उसमें क्या होगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये 45 45, और ये भी आपका अगर राइट आइसोसेल्स रहेंगे तो 90 डिग्री 45 45. ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया. दूसरा क्या कह रहा है, फोर्थ, कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर. ठीक है, ये तो ऑलरेडी बता रहे हैं यहाँ पे क्या, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ क्या फील हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड आर क्या चीज, प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो ये चीज तो आपको ये एकदम कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए. ठीक है, दूसरा कह रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर. सो सिमिलर फिगर का एक ये एग्जाम्पल हो गया, दिख ही रहा है आपको दोनों क्या है, सिमिलर है. ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, और जैसे सर्किल जो बना दिए थे वो हो गया. तो आप ऐसे आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलर फिगर दो अलग अलग देना है, तो यहाँ दो अलग अलग दे ही दिए. दूसरा कह रहा है नॉन सिमिलर, तो नॉन सिमिलर का एक फिगर बना लीजिए. जैसे क्या करिए, एक आप स्क्वायर ले लीजिए, एक रेक्टेंगल ले लीजिए. ठीक है, तो ये सारा 2 2 2. ठीक है, और ये आपका 3, मान लीजिए ये आपका हो गया कितना, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया. ठीक है, तो सारा जो होगा साइड हो क्या होगा, प्रोपोर्शनल ही होगा, 1 बाई 2 2 बाई 3, इक्वल नहीं हुआ. ठीक है, तो ये आपका हो गया एक फिगर. दूसरा क्या करते हैं, एक आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए. ठीक है, दूसरा क्या बना लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60. ठीक है, और एक आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल बना लीजिए, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, नॉन सिमिलर फिगर होगा. इस तरह आप लोग बहुत सारा दे सकते हैं. ठीक है, जैसे क्या कि एक और फिगर, हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिए,
और एक क्या बना लिए, रोमबस बना लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर में सारा साइड सारा एंगल का वैल्यू की 90 डिग्री, और यहाँ क्या है, ये आपका 90 डिग्री नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो देखिए पॉलीगन है, ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी क्या है आपका, एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन क्या होता है कि कोई भी पॉलीगन सिमिलर कब होता है, कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और दूसरा क्या, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये होना चाहिए। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल नहीं है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है इसके इक्वल नहीं है, ये सारा क्या दिया है आपका 90 दिया हुआ, एल बनाया यानी 90, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है 1.5/3, ठीक है, 1.5/3, 1.5/3 और 1.5/3 देख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी है 1.5, ठीक है, ये 3, 1.5/3, 1.5/3 और 1.5/3, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या है आपका, प्रोपोर्शनल है बट कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, दो सो दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग दिखा दिए हैं, ठीक है ना, कि ये दोनों फिगर क्या होगा आपका, सिमिलर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो आंसर ये आपका होगा। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा देन प्लीज शेयर इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।